परमात्मा ने जग से इतनो प्यार करो कि उनने अपनो एक लौतो लड़का दे दो। अब जो को ऊपे भरोसा कर है सो सत्यानाश न हुई है, अकेले वहाँ अमर जिंदगानी मिल है। परमात्मा ने अपने लड़का हाँ जग में ई के लाने नहीं पठे हो कि जग हाँ दोष देवे, पर ई के लाने कि जग उनसे तरन तारन पाए। अब है प्रभु ईसा मसीह जू के मानवे वारे अरबन मानस हैं, जौन विश्वास की बातें बाइबल धर्म पोथी की पहली चारों पोथियन में खोली गई हैं। जो बातें बाइबल की पोथियन में न्यारे न्यारे मत से बताई गई हैं, जा ईसा मसीह की किस्सा लूका की पोथी से लई गई है। प्यारे थियोफिलस, मैं तो हां जे बातें एक कुदई से लिखत हूं, जौन हमारे बीच में भई जी से तें सांसी जान सके। उन दिनन में अगस्तुस कैसर नाव को रोम को महाराजा हतो और बड़ो हेरे देश यहूदा देश को राजा हतो। परमेश्वर ने नासर शहर की एक कुंवारी के एंगल सड़क के दूध जब्राइल हो पठे हो, ऊ कुंवारी को नाव मरियम हतो। ओ मरियम, डराओ ना, कैसे कि तुम पे परमेश्वर की कृपा भई है, ते आधान से हो जे है, तो से एक लड़का हुए, तुम उको नाम यीशु धरियो। ऐसो कैसे हुई है, मैं तो कुंवारी हूँ। और पवित्र आत्मा तो पे उतरे, इलाने जौन लड़का तो से हुए, उ परम प्रधान परमेश्वर को लड़का कहा है, उके राज को कभू अंत ना हुए। मरियम अपनी नातेदारे निलिश्वा के घरे यहूदा नगर को गई, संजोग से वासोई आधान से हती। इलिज़वा, मरियम, बहन मरियम, ते सबरी औरतन में अच्छी है और जौन लड़का तोसे हुई है वो भी अच्छा हुई है। कैसे जैसे मैंने तोरी जय जय सुनी, मोरे पेट को बच्चा खुशी से उचको। मोरो जी प्रभु जी की जय जय करत है और मोरी आत्मा मोरे बचारे वारे से खुश है। मोहा अब से जुग जुग के मांस अच्छे गए हैं। नासरत परगना के सबाई मान सुनियो, अगस्तुस कैसर राजा की तरफी से जाग्या कड़ी है कि गलील और यहूदा के परगना की नाम लिखाई होवे वारी है। ई लाने सबरे मांस अपने अपने पुरखन के मुलक जाके अपने नाम लिखवा लें। और मरियम अपने होवे वारे मांस के संगे नाम लिखाने यहूदा पगना के बैतलहम आई। उते उनखा रुकबे हां जागा ना हती और रुकबे हां अकेले गयन की सार मिली। ऊ परगना के कछु गड़रिया रात में अपनी गार्डन हा रखाए हते, जब परमेश्वर को दूत उनके एंगर आओ और परमेश्वर को जारो उन पे पड़ो। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लाने एक तारण करता जन्मो है और जोई मसीह प्रभु आए। गलरिया तुरतई गवन की सार में जन्मे भय लड़का हाँ देखन गए और तरन तारन के जन्म और कुआरी मताई की बातन के संदेशे के पहला बतावे वाले कहा है। सात देना के बाद लड़का के खतना की बेरा पे ऊ को नाव यीशु धरो गओ। यूसुफ और मरियम लड़का हाँ अर्पण करेवे हाँ यरूशलेम नगर ले गए। उते मंदिर में एक भगत हतो, ऊपे पवित्र आत्मा ने पहले से कही थी कि जब लो ते मसीह जू हो देख ना ले तब लो मरे ना, उको नाम शमोन हतो। परमेश्वर अब ते अपने दास हां अपनी बातन पे खुशी से जान दे। मोरी आंखन ने तोरे तारन हां देख लो, जो बच्चा परमात्मा को चुनो है
तुम दोनों हा आशीष मिले। और जब वे मूसा के बताए धर्म के सबरे काम निपटा चुके तो वे यरूशलेम से नासरत चले गए। जब यीशु जी 12 बरस के भय तो यूसुफ और मरियम फसे के त्योहार में उनखा यरूशलेम लोवा गए। लौटती बेरा वे सोचत हते कि यीशु जी उनके संग ही हैं, पर वे पछारे छूट गए। सो वे उन्हें ढूंढा ढूंढा शहर में आए और तीसरे दिना उनने मंदिर में यहूदियन के मुखियन के एंगर यीशु जी वहां बैठो पाओ। जो किको लड़का है जो ऐसी बातें पूछे थे? जो नासरत से हैं, हम समझते हमारे संग चलो गाओ, ईला ने इखा क्षमा करो। जितना ने उनकी बात सुनी भौचक कर रह गए। लड़का तैने ऐसो काम करो, तोरे दद्दा और मैं तो खा ढूंढ के हैरान हो गए। तुम वहां का ढूंढ रहे थे? का तो मैं नहीं पता कि मोहा अपने पिता को काम करो चाहिए। और वे उनके संगे नासत आए और अपने ज्ञान और शरीर में मानसन और परमेश्वर की कृपा में बढ़त गए। तिबरियस कैसर के राज के 15वें साल में जब पेंतुस पिलातुस यहूदिया परगना के राजा हते और हेरोदेस गलील की सरकार चरावे बारे हते और हन्ना और कैफा बड़े पुजारी हते, तभी परमेश्वर की बातें यूहन्ना लोहार में पहुंची और बे यर्दन नदिया के एंगर के देश आके पाप की क्षमा को बपतिस्मा जौन बुड़की देवो कहूत है उनको प्रचार करन लगे। अपने कुकरमन से फिल्लो और पानू की बुड़की लो, सो परमेश्वर तुम्हारे पापन हो क्षमा कर है। जैसे कि यशैया आगम वक्ता वाले की पोथी में लिखो है, हार में कौनों पुकार लगा रहो है, प्रभु जी की गैलखा तैयार करो, उनके जावे हैं गैल सीधी बनाओ, सबरी घटियन है भर देओ, सबई पहाड़ियां और टिलवा सौसर कर दो और टेढ़ी मेढ़ी गैले सूदी करो और बिलोरा वाली सही करो और सबई मांस परमेश्वर के तारण हाँ देखें। हम का करें? हमें बताओ हमें का अरे सांपन के बच्चों, ते हमें का करें कात है? हमें बताओ हम कौन तरफ जाएं? जिलो दो कमी चे हो दे जी के पास नैया उखा एक दे दो, जी के एंगर खाबे है वो बांट के खाए। गुरु हम तो चुंगी लेवे बारे आए, हम का करें? जिते कई गई उसे ज्यादा ना लेओ। और हमा का हुई है, हम का करें? जबरन को की चीज बसत ना लेओ, ना को पे झूठो दोष लगाओ, अपनी मजूरी में खुश रहो। हमें बता कहते हैं मसीहा है? मैं तुम्हें पानी से बुड़की देता हूँ, एक आबे वारो है जोन मुसे बहुत ही पहुंचो है, मैं तो उनकी पनैयन की जोरे खोले नायक भी नैया, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आगी से बपतिस्मा दे है, वो को सूपू के हाथ में है, जिसे गाँव हो भसा से न्यारो करके कुठिया में धर है।
पवित्र आत्मा यीशु जू के ऊपर एक कबूतर घाई उतराओ। और स्वर्ग से एक आवाज आई, ते मोरो बड़ो प्यारो लड़का है, मैं तो से ऐन खुशी हूं। जब यीशु जू ने अपनो काम शुरू करो, वे करीबियन 30 साल के हते। पवित्र आत्मा से भरे वे यर्दन नदिया से लौटे और आत्मा उन्हें हार के मैदान में ले गई, जिते शैतान छलिया ने 40 दिन लो उनको परखो। इन दिनन में वे उपासे रहे। और शैतान ने उनसे कही, ते परमेश्वर को लड़का आए तो कह दे जब पत्थरा रोटी बन जाए। जो लिखो है, मांस अकेले रोटी से नहीं पर परमेश्वर के वचन से जीत रहे है। तब शैतान उन्हें कुल ऊंचे पे ले गयो और तनक देर में संसारी भर दिखा दई। जो सब संसारी को अधिकार मोए दे गयो है, मैं जिहा चाहूं वहां दे सकत हूं। यदि तैं मोए झुके तो सब तोर हो जे है। जो भी लिखो है, तैं अपने परमेश्वर के चरणन में झुक और अकेले उन्हीं को ध्यान धर। तब शैतान उन्हें यरूशलेम ले गओ और मंदिर के सबसे ऊपर के कंगूरी पे ठाणो कर दो। ते परमेश्वर को लड़का है तो अपने आप हा नीचे गिरा दे, कासे धर्मपोथी मिले को है कि परमेश्वर सरक से दूतन से कह है और बे तुहा हाथ ही हाथ थाम ले है कि तुम्हारे गुड़न में पथरन से चोट ना लगे। धर्मपोथी जब ही कहते है, ते अपने प्रभु परमेश्वर ना परख। और वे नासरत में आए जहां वे पले पोसे हते। अच्छी हो? अच्छी हो। तब यीशु जी रीति के अनुसार विश्राम के दिन मंदिर में गए। काय से यशैया भविष्य की बातें बतावे वाले की पोथी में से कछु बांचे के लाने उन्हें बुलाओ गओ हतो। प्रभु की आत्मा मोरे ऊपर है, कैसे उन्हें मुहा कंगालना अच्छी खबर देवे ठहराओ है। उन्हें मुहा इला ने पचाओ है कि जेलन में स्वांसना छुड़ावे और अंधरन का नजर देवे को समाचार दे। सताए भयन को छुड़ावे की और डूंडी पीटे की बेर आ गई है कि परमेश्वर अपने जनन हाँ बचा है। ओ सांसी का धन पोथी में की जा बात आज पूरी भाई, जब तुम नहीं खा पाचा सुनो। परमेश्वर की बात है पूरी भाई? ये बात अकेले मसीह जू पूरी कर सका था। इसे हम कैसे जान भी? तुम्हारे मुंह से तो ऐसी कहावत क्या हो, ओ बैजू खुद यहाँ पहले ठीक करो।
तुम्हें मुँह से कहो जैसी हमन ने सुनी है, ईद इसमें बोई करो जोन कफंडू में करो है। मैं तुमसे कहता हूँ कोई भी आगमता को जानकर अपने प्रोग्राम में मान नहीं पात। इस तरह से यीशु जी ने अपनी बात कही कि वे परमेश्वर की तरफ से मांस के तारण के लाने पठाए गए हैं। यहूदियों ने यीशु जी वहां तरन तारण नहीं मानो। ई बात पर उन्होंने यीशु जी वहां टोर पे से गिराव जाओ और वे भीड़ में से कड़ के कऊ अंत चले गए। और गलील परगना के नगर कफरनऊम में आ गए। उन दिनों में रोमी राजन की सबई कऊ चलती और मांस उनकी जास्ती से छूटबे की मसीजू की बाट तकेते। तो खा शांति मिले। आओ महाराज। सामान कहो तो हम तुम्हारे डोड़ा पे आ जाएं। क्यों नहीं, लगा था कि भी हमें छोड़ के जा रहा है। हमें कछु बताओ, हमसे कछु कहो। ते मुझसे बात कर। यीशु, हमसे बात करो। एक बेरा ऐसो भाव कि दो जने मंदिर में विनती करन गए। एक धर्म गुरु हते, दूसरी चुंगी लेवे वारे। धर्म गुरु उते ठाड़े होके ऐसी विनती करन लगे, परमेश्वर मैं तोरी जय जय करत हूँ कि मैं दूसरन घाई लालची धोखेबाज परतिरिय संगत करवो वारो नहीं आ। मैं तोरी जय जय करत हूँ कि ई चुंगी लेवे वारो जसो भी नहीं आ। मैं हर आठे बेरा दो बार उपासो रात और कमाई को दसवा हिस्सा तोय देत हूँ। पचुंगी वारे ने दूरी से ठाणे भाई बिन सरक तरपी आंखें उठाए, उन्हें अपनी छाती ठोंक ठोंक कर कही, परमेश्वर मैं बापी मानसा हूँ, मुँह पे दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि परमात्मा के तहत धर्म गुरु नहीं पर चुंगी वारो धर्मी ठहरो जय है। जोन मांस अपने यहाँ बड़ो बनाए वो हल्को करो जय है, पर जोन अपने यहाँ हल्को बना है वो बड़ो करो जय है। अपने डोड़ा हाँ बिलात पानू में ले चलो और होते मछरिया पकड़ भी हाँ जार डारो। ओ महाराज, हमने सबरी रात खूब मेहनत करी, अकेले कुछ ना मिलो, पर जब तुम कात हो तो मैं जार डारत हूं। याकूब, योहन्ना, अरे ये देख मछलियाँ, अरे जाब अच्छी नहीं, खींचो, ये देख बड़ी बड़ी अजूबा। याकूब, योहन्ना, अपने डोड़ा ही तरफ ले आओ और हमारी सहायता करो। हमसे नहीं बना, तुरंत करो। आप मर जाए। उस मलक है, ये देख कुल है। मोरे एंगर से चले जा प्रभु, मैं पापी मांस हूँ। तुम डरो ना, अब से तुम मांसन हाँ पकड़ हो। मोरे एंगर आओ और मोरी बातें ना गुनो और मानन करो सो तुमन जीवन पाओ। प्रभु जी हाँ खोजो जब लो वे मिल सकत हैं। जब वे एंगर हैं पुकारो, उमाड़े अपनी अनर्थकारी बेढंगी बातें छोड़ें और परमेश्वर की तरफी आए। वे उनन पर दया कर हैं और पूरी क्षमा दे हैं, कासे तुम खुशी से निकर हो और शांति से पहुंच जे हो।
राउत है इतई है तकियो। यीशु जी मेरी बिटिया बचा लो। महाराज मुँह पर दया करो, वो 12 बरस की है और वो मरत है, दया करो मोरे संग चलो। यार मुआ बड़ो दुख है यीशु जी कि तुम्हारी बिटिया नहीं रही, महाराजा हैरान न करो। डरो ना, अकेले विश्वास करो, बात अच्छी हो जाए। तुम मांग जाओ, बामरी नहीं यहां पर सोत है। बिटिया उठो। इखा कछु खेब यहां देव, मैं तुम्हें बताऊं जो कछु इतने भव है को उसे न कहियो। इन बातन के पछाड़े मत्ती लेवी नाम के चुंगी लेवे वाले हां तको जौन चुंगी लेवे हां द्वारे बैठो हतु। मोरे पाछे आओ। और यीशु जी पहाड़िया पे प्रार्थना करने चले गए जहां उनने सारी रात्रि परमेश्वर से प्रार्थना करत बिता दी। और बड़े बुन सारे उनने बारहों को बुलाओ और सबरे चेला कहलाए। शिमोन जी को नाम उनने पतरस धरो और उको भैया अंद्रयास याकूब यहोन्ना फिलिपुस परथलमियो और मत्ती और थोमा और अल्फाई को लड़का याकूब और शिमोन जो जिलोतिस कहाउत है और यहूदा याकूब को भैया और यहूदा इस्करियोती जी ने पछाड़े उनको बड़ो धोखा दाओ।
धन तुम जो दीन हो कासे की परमेश्वर को राज तुम्हाओ आए। धन कहा जो तुम भूखे हो कासे की तुम अफरजय हो। धन हो जो तुम अवैध हो कासे की तुम खुशी मने हो। धन कहा हो तुम जब सवाई मोरे कारण तुमसे बैर करें और बारे कर दें और मांस के लड़का के कारण तुम्हें निंद्रें। ऐसे में तुम्हें बहुत ही खुशी मनाइयो और नाचियो कासे के तुम्हें बैकुंठ ने बड़ो जस मिल है। उन्हन के पुरखन ने आगम भक्तन के संगे ऐसू करो हतो। हाय तुम पे जो अब धनी हो कासे कि तुम खीब आराम पा चुके। जोन धनी ना बनो चाहे वो पगले जाए। हाय तुम पे जो ना भसत हो कासे कि तुम रंज मने हो और रो हो। हाय तुम पे जब सब जने तुम्हें अछूके हैं कासे उन्हन के पुरखा आगम भक्तन के संगे ऐसू करते। पर मैं सुन भी बारन से कहा हूँ कि दुश्मनन से प्यार करो। जोन तुम्हें कोसो उन्हें असीसो। जोन बैर करे उनको भलो करो और जोन बेइज्जती करे उनके लाने विनती करो। जोन तुम्हारे एक गाल पे थापड़ मारे उकी को दूसरो फेर दे। जोन तुम्हारो कोट ले ले वहां कमीज भी ले लें दो और जो को मंगाए हुए देव। यदि कोई तोरी चीज छुड़ा ले बे तो वे फिर न मंगाओ। दूसरन के संगे करो जोन तुम चाहोत कि तुम्हारे संगे हुए। यदि तुम अपने प्यार करे वालन के संगे प्यार करो तो तुम्हें काय की आशीष। कैसे पापी भी अपने प्यार करे वालन के संगे प्यार करते हैं और जोन तुम्हारे संगे अच्छू करें उन्हीं के संगे तुम अच्छू करो सुकाशीष चाहत हो। कैसे पापी भी तो ऐसू करत हैं। वे बे कैसे छू सका बे उसे कैसे बर्ताव कर सका। शर्म करो नहीं अपने बैरियन है चाहो और उनको भलो करो। उदार देके लौटवे की आशा न रखो सो तुम्हें बिलात असीज मिल है तभी तुम परमेश्वर की संतान कहा हो। वे बुरन पे और उनकी जय जय न करे वालन पे भी दया करत हैं। तुम्हारा पिता दयालु है उसे ही तुम्हें दयालु बनो। यीशु जू बचाओ। दोष न लगाओ तो तुम्हें भी दोष न लगाओ। जय अन्याय न करो कि तुम पे भी अन्याय न हुई है। क्षमा करो सो तुम्हारी भी क्षमा हो जाए। महाराज हमें अपनी गैल पे चलाओ। देव तो तुम्हें भी मिल जाए। जोन माप से तुम नाप हो वही नाप से तुम्हारे लाने नाप हो जाए। एक अंदरा दूसरे अंदरा हाँ गैल नहीं बता सकते। ऐसो करवे पे दो ही जने गढ़ा में गिरे। जब तोरी आंख में ढूंढ रहा है सो अपने भैयन की आंखन को तिनका काय देखत है। प्रभु जी हमें गलीला खाओ। प्रभु हमें तोरी चाहना है। बामताई धन्य है जिन्हें तुहा जाओ और पालो है। हा 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 वे कितने महान है जोन परमेश्वर की बात ना सुनत है और मानत है। मैं ईमान सा जानो चाहत तुम्हारे विचार से काबे मसीह हुई है। ई पंडित ने यीशु जी वहां ब्यारी को नेतो दाओ और यीशु जी उनके घरे गए और ब्यारी यहां बैठे। इते आओ बच्चो बाहरे जाओ का तुमने सुनो नन्या जाओ बे और धोखे से जो कछु चाउत पाले। वाय ते का करी मैं नहीं जानत।
जय ते का कर रही। जो मानस सच्चो जानकार हो तू तो जान लेते हो कि जा भैया जोन उखा छुगत है कैसी है और कौन है। वे जानते कि बा कितने पापन में फंसी। मैं जानत हूँ कि बा भैया कौन आए समोन। मोए तोपे कछु काने हैं। एक सौ के दो आसामी हते, एक पे 500 दूसरे पे 50 रुपया कर्ज हतो। वे दो कर्जा ना चुका पाते सो साव ने उनको कर्जा छोड़ दो। सो कौन हुए अधिक चाहे। मोरो विचार से जी को बिलात कर्जा छोड़ो। तेने सही कही। ई भैया रहा देखो, मैं तोरे घरे आओ तेने मुँह गोड़ा धोबे हाँ पानी नहीं दो, पर इन्हें असुवन से मोरे घोड़े धोके वारन से पहुँचो। तुमने चूमा लेकर मोरो आदर नहीं करो। जब से मैं आओ इन्हें मोरे घोड़े चूमो नहीं छोड़ो। तेने मोरे मूड़ पे तेल नहीं लगाओ है, पर इन्हें मोरे गोड़न पे अतर डारो। मैं तो उसे सांची कांत हूँ। ई को प्यार बतात है कि इके बहुत सारे पापन की क्षमा भई। जी की तना क्षमा भई उतना प्यार करत है। तोरे पाप क्षमा भय। तोरे विश्वास ने तू खा बचा लो। चैन से जा। मैं और यीशु जी परमेश्वर के राज की अच्छी बातन को प्रचार करत करत यात्रा पे कड़ गए और उनके बारी चेले और बेबाइयां जिनमें से भूत निकाले गए हते उनके संग संग चल पड़े। मरियम जो मगदलिनी कहाउती, योन्ना जी को पति खोजा हेरोदेस के दरबार में भंडारी हतो, और सुसन्ना। और गलील परगना के राजा हेरोदेस ने योहन्ना बुड़की देवेवारी हां जेल में डरवा दो, काहे से कि उन्हें राजा हां अपने भैया की घरवारी हां राख लेवे को उरानो दो तो। काहे? जब हम नाइन गांव के गोड़े पहुंचे सुमान से एक ठठरी ले जा था थे। मरोबा विधवा को अकेलो लड़का हतो। जब यीशु ने बेवा हां देखो उनको मन दया से भराओ, उनने ठठरी हां छुओ और कही, हे जवान मैं तो पे कहा था उठ, ई पे मुर्दा उठ बैठो। और यीशु ने ऊ हाँ ऊ की मताई हाँ दे दो। उनसे पूछियो जी के बारे में यहुन्ना ने कही थी, काबे तुम ही आओ के और की आशा तक है। गुरुजी, गुरुजी, यौवा बुड़की देवे वाले ने पूछ पहुंचाओ कि कहते हैं वही आए जो आबे वारो हतो, या हम कोई और की आशा तक है। जो कुछ तुमने सुनो और देखो यौहन्ना से कह दो। अंदरा देखत हैं, लंगड़ा चलत हैं, कितेक महान बे हैं जौन मुँह पे सकनी करत। ते कर मुँह उठा ले। ते मुरे कंदन पे आ, का आप ते देख सकत है। हाँ मैं इस उजी देख सकत हूँ। एक बैबे बारो बीज बैबे निकरो। बहुत में कछु बीजा गैल के अंगर हाँ गिरे और कुचर गए और आकस के चरूरन ने चुगलो और कछु बीजा पत्थरन पे गिरे
और होमस आए पर पानू न मिलवे पे वे सूख गए और कछु बीजा जरियन में गिरे और जरियन ने संगे बढ़ के उन्हा दबा दाओ और कछु बीजा अच्छी जमीन पे गिरे और उगे और बढ़ के खूब फले सौ गुना लो भाई। गुरुजी, जब बिलात मानस एंगर रात तो तुम खोल के काई निकात तुम्हें परमेश्वर के राज की समझ दई गई है और हाँ बातें सूदी सूदी नहीं कही जात ईसे की भी देखत भय भी ना देखें और सुनत भय भी ना समझें। ये उदाहरण को खुलासा जो है बीज परमेश्वर की बातें हैं गैल के अंगर बेआए जिन्होंने बातें तो सुनी पर शैतान ने आके उनके मन से बातें चुरा ले गाओ कहूं ऐसो ना हो कि वे मानन करके ताण पाए पथरन पैर के बे आए जोन बातन हाँ सुन के खुशी खुशी मान तो लेत हैं पर जड़ना पकड़वे पे तनक देर तो मानत हैं और जांच की बेरा पे बे बहक जात हैं और जरियन वाले बे हैं जोन बातन हाँ सुनत तो हैं पर संसारी चिंता माया और सुख विलास में फंस जात हैं और अच्छी फसल नहीं पाऊ पर अच्छी धरती वाले बे आए जो उन बातन हाँ सुन के अच्छे और भले मन में सुटारो रखत हैं और फलवे तक बे उकतात नहीं आ कोई भी मांस दिया औजार के बासन से नहीं ढकत ना खाट के तरह धरत अकेले हुए दिया थाने में जिसे भीतर आवे वालन हाँ उजियारो मिले जो कछु लुको है वो उजागर हो जाए और जो कछु ढको है वो जियारो में दिखाओ जे है ईला ने समरे रहो कि तुम कैसो सुनत हो कैसे जी के एंगर है वहां और दो जे है और जीलो नहीं आ उसे ऊ भी ले लो जे है जोन ऊ अपनो समझत है। गुरुजी, तुम्हारे मताई और भैया बाहरी ठाड़ी हैं और तुमसे जरूर चाहत हैं। मोरे मताई भैया बे हैं जोन परमेश्वर की सुनत और मानत हैं। एक दिन यीशु जी अपने चेलन के संगे डोड़ा पे चढ़े और कही चलो अपन झील के ऊपार चलें। और जब वे जाते यीशु जी सो गए। तुम्हारा विश्वास कितने हतो और बे गेरासेनियन के परगना की ओर चले जोन गली देश की झील के ऊपार है। Ah
प्रभु जी, परमात्मा की लड़का तुम मुझसे का चाहत है? मैं विनती करा था मुझे सजाना दे। तोरो का नाम है? फौज। हम तो उसे विनती करत हैं, हमें बहुत गहरी में ना डार, हमें सुंगरन के झुंड में भेज दे। ए, लौटे आओ, खड़े रहो, खड़े रहो। और भूत वो मांस में से कड़के सुंगरन में जा बेड़े। लौटे आओ। इतना सा चलो जा। ओ जादूगर, हमें छोड़ दे। इतना सा चलो जा, हमें छोड़ दे। चलो जा इतने से। विजय है, मैं तुरे संगे चलो। मोहा संगे चलन दियो। घरे जा और बता जोन परमेश्वर ने करो। यीशु जू और सब चेला बैतसैदा कुदाई चल गए। पर जब मानसना पतो परो तो बेई पछे आने गए। संजा की बेरा पत्रस ने कही, गुरुजी, आदमी अनहा एंगर के गांव में पठे दो, जिससे वे खामे और सोमे की जुगाड़ कर ले में। जो हार सुनो है। तुम्हें इनहा कछु खावे हाँ देव। पर हमारे लो 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। जय जय हो तोरी परमेश्वर, सबरी संसारी के रजवे वारे, जोन करूं का धरती में से देत है। जा तो अजूबा है। अजूबा है? मांस मोए काकात हैं। कछु तुम्हें यूहन्ना बुड़की देव वारो कात है, सो के नौ तो है एलिया अगमवक्ता कात है, और कितेक जने तो कात हैं कि को नौ अगमवक्ता जी उठो है। तुम मोए काकात कि मैं को आऊं। ते परमेश्वर को मसीह आए।
ऐसो को मांस न कहियो। मांस के लड़का कुल दुख भोगने और धिक्कारो जे है, वह मार डार हैं। पर तीसरे दिन आप फिन के बे जीजे हैं। Glory. Each day an answer sees to the following day. Each night repeats it to the next. काको मोरे संगे चले। गुरुजी मैं तुम्हारे पाछे चलूं। अकेले मुए घर जाके और घरवारन से विदा हुआ दो। जो को अपनो हाथ हर पे धर के पछारे देखे परमेश्वर के लाख नैया। जो को मोरे संगे चलो चाहे वो अपनो स्वार्थ हाथ छोड़े और रोज अपनो क्रूस लेके मोरे पछारे हो ले। कासे जो को अपने प्राण बचाए चाहे वो खोदे है और जो को मोरे लाने अपने प्राण खो है बचाले है। अगर मान सबरे जगह पाले और अपने प्राण ना खो दे तो वे काला जो को नो मोसे और मोरी बातन से लजा है। सो मांस को भी लड़का उनसे लजा है जब अपनी महिमा में आ है पिता की और स्वर्गदूतन की महिमा में। मैं कात हूं कछु जने ऐसे हैं कि जब लोग भी परमेश्वर को राज ना देख लें ना मरें। तब यीशु जी ने योहन्ना याकूब और पतरस हां अपने संगे लाओ और पारिया पे विनती करवे हां गए। और जब वे विनती करत हते उनके मौ का रूप बदल गओ और उनके उन्ना उजरे होके चमकन लगे। वही बेरा मूसा और एलिया आगम वक्ता जोन परमेश्वर के तेज से भरे हते बे उनसे बातें करन लगे। तुम परमेश्वर की मंशा पूरी करो। तुम यरूशलेम में मारे जे हो। और जब वे उस जगह से चलन लगे तो पतरस ने यीशु से जे कही, महाराज जा कैसी अच्छी जगह है, हम तीन मड़वा बनाए, एक तुम्हारे लाने। और जैसी पतरस बोलन लगो तो बादल उन सबन के ऊपर छा गओ और सबरे चेले डेरा गए। तभी बादल में से एक आवाज आई कि जो मोरो चुनो भाव लड़का आए, यही की सुनो। गुरुजी, मैं लड़का के लाने विनती करत हूँ, दया कर उए बचा ले। जो मोरो अकेलो लड़का है, मैंने तुम्हारे चेलन से विनती करी के भूत भगा देओ, अकेले भी नहीं भगा पाए। ए अविश्वासी और ढीठ लोगो, मैं तुम्हारे संगे कबलों रहे हूँ और तुम्हारी सेत रहे हूँ। लड़का है तो ले आओ। Oh, my God.
अरे तुम अभी अच्छे हो, जानो की बात है। हमें विनती करवा सिखाओ जैसे यौन्ना ने अपने चेलाना सिखाओ। और जब तुम विनती करो तो ऐसो कहियो, माए पिता तुम जो स्वर्ग में हो, तुम्हारा नाम पवित्र मानो जाए, तुम्हारा राज आए, तुम्हारी मनसा स्वर्धाम गाई धरती पे होए, हमें रोजीना की रोटी देव और हमारे पापा ना क्षमा करो जैसे हमने भी अपने अनार करे वाले ना क्षमा करो है, और हमें जांच से बचाओ पर बुराई से संहारो। मुंगाओ सो तुम्हें मिले, खड़खड़ाओ तो तुम्हारे लाने खोलो जय है, ढूंढो सो मिल है, कासे जो कोनू मुंगाए वहाँ दौ जय है, और जौन ढूंढत है वो पाउत है, और जौन खड़खड़ा है वो किलाने खोलो जय है। कौन ऐसो पिता हुई है कि लड़का मछरिया मांगे तो सांप देवे, या अंडा मांगे तो बिच्छू देवे। तुम चाहे कितने बुरे हो पर अपने लड़का हाँ अच्छी चीजें दे हो, ऐसे ही स्वर्धाम के पिता परमेश्वर तुम्हारे मंगाए पे पवित्र आत्मा काय न दे है। तुमसे कात हो अपने प्राण की चिंता न करियो कि हमारे काखे हैं और ना बदन की कापैर हैं, कैसे कि प्राण खावे पीवे से बड़ो है और उनन से बड़ो बदन है। कौन खा देखो वे न बोत है न काटत है न उन लोग कुटिया बंडा है, तो परमेश्वर उन्हें खपाऊत है। तुम्हारे तो चिरियन से बहुत बड़े हो, तुम में से कौन चिंता करके अपनी उम्र बढ़ा सकत है जब तुम इतने हल्के काम नहीं कर सकत, फिर नाए माए की चिंता काय करत। हार के फूलन पे ध्यान करो वे कैसे बढ़त हैं, बिना तो मेहनत करत है ना मुनाई करत हैं। तो पे भी राजा सुलेमान उन्हें घाई उन्ना ना पैर पाओ तो। सो परमेश्वर हार के चारे हाँ आज जो उन कल जरा दई जय है, ऐसो पैराउत है तो तुम्हें भी पैरा है। ओ तनक विश्वास करे बारे, हम औरन को विश्वास बढ़ाओ। जो तुम्हारा भरोसा राई के दाने के बराबर हो तो तुम यतूत के पेड़ से कहते जड़ से उखड़ के समुद्र में जा लग, तो जो तुम्हारी मान ले तो। पाप करवे की मनसा आउत ही है, हाय ऊपर जी के कांट जो आउत है, उन्हें हाँ तो गरे में फतरा बांध के समंदर में डाल दो जाए, जोन इन हलकन हाँ ठोकर खबाउत हैं। परमेश्वर को राज की नहीं है, वो ऐसो आए एक मांस राई को बीज लेके अपने खेत में बोत है, उकी पौत बढ़ के पेड़ बन जात है, चिड़िया उकी डारन पे बसेरो करती। पतो नहीं है मोरे से का कात है। तुम चुंगी ले बे भारे और पापियन के संगे काय खात पियत हो। छे भले लोगन हाँ डॉक्टर नहीं लगत पर रोगेलन हाँ लगत है, मैं बड़न लोगन के मन को बदलवे नहीं आओ, अकेले तुच्छ जाने भाई लोगन हाँ।
हमें सरक के राज के बारे में बता, चू और बात है का? हे हल्के झुंड, डराओ ना, कासी कि तुम्हारे पिता को जो भाव है कि तुम्हें राज दे, सब कछु बेच के पैसा दान कर दो और अपने लाने ऐसे बटुआ बनाओ जो कबू खराब नहीं हो। अपने लाने सौरदाम में धन इकट्ठो करो जहाँ कबू घटी ना हुई है, कैसे कि उतर कोनो भड़िया ना पहुँच पाए और ना कोनो कीड़ा भी बिगाड़ पाए। कैसे जिते तुम्हारा धन हुई है उत ही तुम्हारा मन लगू रहे है। ओ नारी, ते अपनी बीमारियों से अच्छी हो गई? हेरो हेरो बात तो अच्छी हो गई, जा तो एक अजद को काम है। हेरो बात तो अच्छी हो गई, आओ हेरो। परमेश्वर की जय जय हो। 18 बरस, हे गुरुजी, परमेश्वर तुम्हें सुखी रागे। 6 दिना है जी मैं तुम काम कर सकत, अच्छे होवे हैं और कोई दिना आओ चाहिए, सबद के दिना नहीं आओ। हे कपटियो, का सबद के दिना तुम में से कोई अपने गदन या बैलना थान से छोड़ के पानी नहीं पियाओ? और इतने जाए इब्राहिम के वंश की आए जिया शैतान ने 18 बरस से बांध के रखो, काय जो साजो ना हतो की शब्द के दना बात ठीक करी जाती। अच्छे गुरुजी, अमर जीवन पावे हाँ, मैं का करूं? ते मोह अच्छो गुरु काय कर, परमेश्वर छोड़ को अच्छो नहीं आ, ते अज्ञान तो जानत है, पर तेरी संगत न करियो, मांस ना मारियो, लबरो दोष न लगाइयो, अपने मताई बाप को आदर करियो। ये सब बातें तो मैं लड़कपन से मानता हूं। तो एक बात और करो चाहिए, अपनो सब कछु बेच के कंगारन हा बांट दे, तब सरधाम में धन मिल है, फिर मोरे पाछो चलो आ। हम तो साव आए धनी मानस। एक धनी यहाँ परमेश्वर के राज में पहुंचबो कितने कठिन है। परमेश्वर के राज में धनवान को जावे से ऊंट को सुई के छेद में कड़वो आसान है। सुखो उद्धार पा सकत है। जोन मांस के लाने कठिन है वो परमेश्वर के लाने आसान है। तो परमेश्वर को राज फिर कहाँ है? परमेश्वर को राज खुले में नहीं आउत की दिखाए, कोई ऐसो न कह, देखो इते है या उते है, कैसे कि परमेश्वर को राज तुम में है। उस समय आ है तो मांस के लड़का के दिन हाँ देखो चाहो, अकेले तुम ना देख पाओ। जैसे चमकत बिजली आकाश के एक छोर से दूसरे छोर लो जात, उसे ही मांस को लड़का अपनी बेरा पे देखे, पर वो पहले दुखटा है और इजक के मुंसेलू को आदर मान न कर हैं। आकाश और धरती टर जाए वो आसान है, अकेले जो बातें नियमन में लिखी हैं सांसों पूरी हुई हैं। मैं तुमसे कहता हूँ बहुत से राजन ने और आगम वक्ता ने देखी चाही पर बिना देख पाए, जैसे तुम सुनत हो बिना सुन पाए। हमें का करो चाहिए? धर्मपोती काका थे, इको मतलब का है? अपने प्रभु परमेश्वर से तैं पूरे मन से, अपने पूरे तन से और पूरी ताकत से और समझ से प्रेम करो, और एंगर रावे वारन से अपने गाई प्रेम कर। तैं ठीक कहा है, ऐसे कर सो तो जीत रहे। मोरा पड़ोसी को आए बेसिपाई नु सो का कैसर। एक दिना एक मांस यरूशलेम से यरेहु जातो, तब भड़ियन ने छेंक के उके उन्ना उतार ले और पीठ पाट के मरे घाई छोड़ के चल दे। इतने में एक याजक जूते आए,
वह देख के कतरा के चरद बने। ऐसा वो एक लेवी मांस होते आओ और वह देख के मुंह फेर के चलो गाओ। इतेक में ऐसो भाव की एक सामरी मांस उ गली से कड़ो। उन्हें वो अधमरे मांस हाँ देखो उको मन दया से भरे आओ। उ एंगर गाओ उन्हें उके चोटन पे दाखन को रस लगाओ, लत्ता लपेटो और अपनी सवारी पे बैठार के सराय लगाओ और उकी सेवा खुशामत करी। दूसरे दिन आम मालिक हाँ चांदी की कलदार दे और कई इकी देखभाल करियो और जो कुछ खर्चा है मैं लौट के दे दूं। इन तीनन में से कीने उकी सेवा एक पड़ोसी घाई करी। जीने उपे दया करी। तुम ही ऐसु करो। आह बच्चे ना मोरे एंगर आन दो, उन्हें ना रोको, कैसे परमेश्वर को राज ऐसने को आए। मैं तुमन से साची कात हूँ, जो को परमेश्वर के राज हाँ बच्चन घाई ना मान है वो राज में ना जैपे। कैसे जो को मोरे नाम से इन बच्चन हाँ ना चाहे वो मेरे भेजे वाले को भी ना चाहे। कैसे जौन सभी से छोटो है वही बड़ो ही है। अरे इते काहू रहो है, का चल रहो है? यीशु नासरी इते हो जात है। ओ ओ यीशु, ओ यीशु, दाऊद के लड़का मो पे दया करियो। ते का चाहत कि मैं करूं? मैं देखन चाहूं थो। देखन लग थोड़े विश्वास ने तू अच्छो कर दो। मैं देख सकत हूं, मैं देख सकत हूं, मैं देख सकत हूं। जब यीशु जू यरूशलम हाँ जात हते तो गैल में उन्हें मांसन की भीड़ मिली। मांस उनसे तरन तारन की गैल और परमेश्वर के राज की बातें सीखो चाउते। जो मांस साचो में आगम बक्ता आए मोरे प्रभु स्वामी मोए बचा। प्रभु जी हमें बचाओ, हमें बचाओ। प्रभु की जय हो। हमें सुधी गल बता प्रभु जी। मानसन ने यीशु जी हाँ अपनो प्रभु और मालिक मान लो। यरीहो में जब कई चुंगी ले व्यवहार हो तो वो यीशु जी हाँ देखो चात तो सौ पेड़ पे चढ़ गो। चुंगी ले व्यवहार तो ते नीचे आजा जा जक कई मोए तोरे घरे पावनो बनने। मोरे घरे को के घरे रुको चाहे है। सुनियो मैं अपनी जदाद में से आधा गरीबना दे दूं। मैंने कछु भी धोखो दे के लव है उका चार गुना फिर वापस कर दूं। मैं जो नहीं मान सकत कि चुंगी वारो अपनी चुंगी ऐसे फेर दे है कठिन है।
आज ही घर में तरण ताण आओ है, जो मांस भी इब्राहिम को वंश को आए, मांस को लड़का हरावना ढूंढबे और तारण करवे आओ है। सुनियो, हमारे यरूशलेम तरफी जात हैं, उतें मांस को लड़का खिलाने कई भई बातें पूरी हुई हैं। वे दूसरे जातन में दौजे है, वे उकी हंसी कर हैं, उकी दुर्गत करें और मोपे थूकें, कोड़ा लगा के मां डार हैं। अकेले ऊ तीसरे दना जीजे है। तब यीशु जू ने यरूशलेम की गैल धर ली। काय से उहां मालूम हतो कि एक दिन वो मारोजे है। उनके आबे की खबर सुन के सब मांझ खुश हो गए और उन्हें अपने राजा कह के पुकारन लगे। अपने चेलन हाँ चुप रहे वे खाओ। मैं कहता हूँ यदि वे चुप हो जाएं, तो जे फदरा खुद ही चिल्ला पड़े हैं। शांति खुशी जय जय। यीशु जू यरूशलेम के एंगर आए और वहां देखते ही रोन लगे। भलो हो तो तुम जो जे शांति की बात अनहा जान लेते, अकेले तुमने नहीं चीनो। बेदना आवे बारे हैं, जब तोरे दुश्मन घेर घार के सब तरफी से तोए दबा हैं और दीवारन के तरह घूरा मिला दें, तोए और तेरे लड़कन हां वे फतरन पे फतरा ना छोड़ हैं, कासे की तेने परमेश्वर के तरण तारण के समय कहां हल्को जानो। यरूशलेम के पवित्र मंदिर में भजन पूजन की जगह व्यापार होने लगो। लिखो है मोरो घर बिनती को घर कहा है, पर तुमने वहां भड़ियन की चूल्हे बना दी। रोका जब मांस यीशु जी वहां अपना राजा मानन लगे, तो नेतन और धर्म के मुखियन में उनके लाने विरोध भड़क उठो। मैं सोचा था कि भौतन ने उन्हें राजा मान लो। राजा? भिकारियों और चूरन को राजा? उन घाई हमने कुल देख ले, दे आउट डींगे मारत हैं, फिर चले जात और बिसर जात। अदरा रावनो के मान वाले बड़त जात है, लोग बाग हुए चाउन लगे। और उस साचा राजा है। मैं तुम्हारा ना चिताऊ था
यदि ये आदमी ने ओड़गड़वा मचाई सो तुम और परेशानी में परजे हो। बहुत सही हो सकत है, अब तो हमारी गलीलियन से विधि है। और शास्त्री और पंडितन की उल्टी बातन पे यीशु जी ने उन्हें झड़पें दई और यहूदियों में भी उनके मानने वाले बढ़ गए और जिनके लाने वे भली भुरी बात कहा थे वे खुल के सामने उनके आ गए। जब यीशु जी मंदिर में हते तो उनने एक विधवा हाँ मंदिर में तांबे के 2 पैसा डारत देखो। कहा तो मुझसे ज्यादा नहीं दे सकत। मैं तुमसे कहा तो गरीब नी बेवा ने सभी से ज्यादा डारो है, कहा से दूसरन ने अपने बिलात धन में से दो है, अकेले इन्हें तो अपनो सब कछु डार दो। हमें बता तो जो अधिकार कीने दो कीने कही तो से ऐसे कर भी की। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, यूहन्ना बपतिस्मा देवे को अधिकार मानसन ने या परमेश्वर ने दो? यदि जो परमेश्वर हाथ तो तुम और योना की काय न मानी? जो हम कहे मानसन से है सो मान समय पत्थर मार है, काय से वे यहुन्ना आगम वक्ता माना थे? हमें नहीं पतो जो कहाँ को आए। मैं भी तुम्हें नहीं बता कि मुझे जो अधिकार कहाँ से मिलो। एक बेरा एक मांस ने दाग की बारी लगाई, वहां अंधिया पे दे दाओ देखे मुलक दना हाँ चलो गाओ। जब दाखें बटोरवे की बेरा आई उन्हें अपने एक मजूर हाँ पठाओ जिसे अपने फसल को हिस्सा ले आए, पर अधिया वारन ने वहां मार पीट कर भगा दो, तब उन्हें दूसरों मजूर हाँ पठाओ, पर अधिया वारन ने वहां भी मारो पीटो और ऊट पटांग क्या क्या छूचे हाथ भगा दो, तब उन्हें तीसरे नौकर हाँ पठे हो वे भी उन्हें मार पीट के बाहर भगा दो। तब दाग की मारिक ने अपने आप से कही, अब मैं क्या करूं, मैं अपने लाड़ले लड़का हाँ पठे हूँ, साचो में बेऊ को आदर कर हैं। अकेले अधिया वारन ने उए देख के आपस में कही, जो तो माल धनी को लड़का आए हम यहाँ मार डरे तो जायदाद हमारी हो जाए। हमें और बता। तब वहाँ बारी के बाड़े काड़ो और मार डारो। अब देखो मालधनी उन अधियावान के संगे काकर है, उनका मार डार है और दाग की बारी दूसरे अधियावान हाँ दे दे। अब ये बातन को का मतलब है, जोन फतरा हाँ राज कारीगर ने बेकार जानो बोई बहुत साजो कहाओ, जो को वी फतरा पे गिर है चूर चूर हो जे है, और जीपे जो फतरा गिर है वहां धूर बना दे है। गुरुजी जो कछु तुम सिखाओ तो हम जानत है वो ठीक है, तुम मो देखी बातें नहीं करत, पर परमेश्वर की मनसा और चोखी बातन है मानसन खे बताओ थो। हमें बताओ रोम के राजा हैं चुंगी देवो धर्म नियम के विरोध में है के नैया? चौकन्ने रहियो प्रभु जी, मैं तुम्हें फसाबो चाहत मोए चांदी को रुपया बताओ। इपे की क्यों नाव और छाप है? कैसर को। जोन कैसर को आए वो कैसर हाँ देव, जोन परमेश्वर को आए वो वहाँ देव। इके लाने तुम्हारो का कहबो है? अब अखमीरी रोटी को त्योहार एंगर आ गओ। जी हाँ फसे कहा थे ही लाने यीशु जी ने शिमोन पतरस और यहन्ना को फसे की तैयारी करें के लाने पहला से पठे दो।
मोरी एने छाती की दुख भोगबे से पहले तुम्हारे संगे फसे की ब्यारी करो। मैं सांची कहा था जब लो परमेश्वर के राज में ऊ को खुलासा पूरा न हो जाए तब लो मैं यह न खे हूं। जय जय हो हमारे प्रभु परमेश्वर संसार के महाराज जौन पेड़न में फलन हा देत है। यहाँ लेओ और बांट लेओ। मैं तुमन से कहत हूँ कि जब लो परमेश्वर को राज ना आए दाखरस ना पी हूँ। जय जय हो हमारे परमेश्वर संसार के महाराज जो धरती से रोटी देत है। जा मोरी देह तुम्हारे लाने दई जात मोरी खबर करबे ऐसू करियो। जो कटोरा मोरे उरकत की नई बाचा है जौन तुम्हारे लाने बहाओ गाओ। पर देखियो मोहा पकड़ावे वालों को हाथ मोरे संगे टाटी में है। मांस के लड़का को मरवो तो परमेश्वर ने पक्को ठहराओ है। हाय ऊपे जीने हुए पकड़ाओ। जो नहीं हो सकत जो नहीं हो सकत मस्कर ऊ दगा देवे वारो को नाओ तो बताओ। प्रभु जी तुम्हारन में जौन बड़ो होए ऊ छोटो बने और जौन मुखिया हो ऊ सेवक बने। बड़ो को है जौन जेऊत है या जौन परसत है। पड़ो जो खैबे बैठो है अकेले मैं तुम्हारन में परोसवे वाले घाई हूं। तुम्हारे मोरी सबरी जांचन में संगे रहे और जैसे मेरे पिता ने मोह राज चलावे दो उसे मैं तुम्हें दे हूं। तुम मोरे राज में मोरे संगे खाओ पीहो और इसराइल के 12 वंशजों पर राज कर हो। तब तो कोई धोखा देवे बारो नहीं है। सामोन सामोन देखियो शैतान ने तुम सबकी जांच चाही है। क्या छन में से बुरन खा काट दे जैसे किसान पिसी यहां भूसा से। मैंने विनती करी समोन की तोरो विश्वास बनो राय और जब ते मोरी ओर मुड़े तो अपने भैया नहा संहारियो। हे प्रभु जी मैं तोरे संगे जेल में जावे हाँ और मरवे हाँ तैयार। मैं तो उसे कात पत्रस कहते हैं आज ही मुर्गा बोलवे के पहला 3 बेरे मुँह से मुकर जय है। मोने तुम्हें बिना बटुआ और पनिया के भेजो का कछु घटी पड़ी नहीं कोई कमी नहीं। अब जीलो बटुआ या झोला होए बे उहां ले लें और जीलो तलवार न होए तो उन्हें बेच के ले लें। मैं कात हूँ धर्म पोथियन में लिखो है कि उपराधियन के संगो गिनो गया है। जो बातें लिखी हैं मुँह में पूरी होवे वारी हैं। देखो इतने 2 तलवारें हैं प्रभु। जो बहुत है धर्म के मुखियन की पंचायत भाई कि ईशु जू से कैसे पिंड छूटे। तबाई शैतान यहूदा में समा गओ जी को 200 नाव इस्करियोती हतो जो 12 चेलों में से एक हतो। उन्हें मुखियन के संगे जुड़ के ईशु जू हम पकड़वावे की सोची। ईशु जू यरूशलेम से कड़ के जैतून पारिया पे प्रार्थना करन गए।
प्रार्थना करो कि तुम जांच से बचे रहो। यहूदा इस्करियोती ने यीशु जी से केवल चांदी के 30 टुकड़न के लाने धोखेबाजी करी। यीशु जी जाना थे कि मानस जाति के पापन के कारण उनके प्राण लेने की घड़ी आ पहुंची है, सो वे प्रार्थना करने लगे। हे पिता, यदि तैं चाहे तो ई कटोरा हाँ मोरे एंगर से हटा ले, पर मोरी नहीं तोरी मनसा पूरी होए। और सरक को एक दूध दिखानो जौन उन्हें ताकत दे तो उनको पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदन की नाई धरती पे गिरत तो। तुम काय सोत, उठो प्रार्थना करो कि जांच से बचे रहो। कहते मांस किलर कहां चूमा देके पकड़ाओ थे। प्रभु जी काम तलवार से मार डाले। ये पकड़ लो। बहुत हो गई। अजीब ही है। का तुम मोए डाकू जान के और लठिया तलवारें लेके आए हो? मैं मंदिर में रोज ही तुम्हारे संगे होतो तो तुमने काय नहीं पकड़ो? अकेले जा तो तुम्हारी घर ही है और जब अंधियारे को राज है। ये पकड़ लो। की रखवारी करो। और उन्हें आंगन में लबा गए और यहूदियों को राजा कह के उनकी हंसी उड़ाने लगे। हो तनक राजा क्यों ना देखो। अब हमें बता आगे का हुई है। कहते हमें बच्चे हैं ओ महाराज, कतो हम बच्चे हो। जो मनुष्य यीशु जी के संगे हतो। भैया मैं तो वहाँ चीनत लो नहीं है। मैंने उके संगे देखो हतो। अपन के नौकर बड़े बनते, अब कैसे लग रहा है? तै भी उन्हन में से ही का है। मैं नहीं हूं।
इमें सकई नहीं है कि जो यीशु जी के संगे हतो। कैसे जो भी गलील को आए चले जाओ, पता नहीं है तुम कौन मानस की कह रहे हो। यीशु जी ने मुरख के पतरस को दई हेरो, तब पतरस हाँ यीशु जी की बताई बात की खबर आई कि मुर्गा के बोलवे से पहला ते तीन बेरा मुँह से मुकर जे है कि मैं तो ये नहीं जीनत। प्रभु जी, प्रभु जी, मुँह क्षमा करो, क्षमा करो, मुझसे भारी भूल भई, मो पे कृपा करियो। प्रभु जब हम औरन के बाप दादा ने आफत करी ते उनसे गुस्सा हंसो। अकेले तुमने उन्हें नाज नहीं कर, अकेले उन्हें क्षमा करो, तेने अपने प्रेम बस उन्हें बचा लो। हमें भी क्षमा करो प्रभु। पता तो है कीने मारो, बताओ तो को मार है। अब ना करो, अब ये रन दो, ये पंचायत में ले चलो। निंगो यीशु जू से पूछ बे, हाँ धर्म के मुखियन की एक पंचायत भाई। हमें बता का ते मसीह आए? अगर मैं बताऊं तो तुम न मान हो, और मैं कछु पूछूं तो तुम्हारे जवाब ना दे पाओ। अब से मांस को लड़का परम प्रधान परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे। कहते हैं परमेश्वर को लड़का है? तुम कहते हो कि मैं आऊं? कोई ऐसे कहवे को अधिकार दे? दोषी है। हम और अन्य आप सुन लो कि इन्हें का गई। हम यहां प्लातूस लो ले चल भी। हाँ हाँ ये ले चले। चलाओ। और बे ऊहा पेंतुस पिलातुस के एंगल ले गए, जोन रोम के सभी राजन से ज्यादा दुष्ट और हजारन को मरबावे बारो हतो। इतने सवेरे सवेरे इबेरा तुम मुझसे का चाहत हो? हमने यहाँ आदमा ना बरगलाउत पाओ है। इन्हें मंदिर के बाजार में लोखल वाली मचा गई। ई की सजा का हुई है? तारो करो। मैं ईमांस में सजा देवे लाख कोनो बात नहीं पाओ। हमने ई है दोषी पाओ है, जो कैसर है चुंगी दे है रोकत है, और अपने है मसीह राजा का थे। राजा का थे? यहूदियन को राजा है ते आप ही का थे। इने गलील में जे बातें शुरू करी हती अभी ते भी आ गओ। गलील में का जो मांस गलील को आए? यदि ऐसो है सो यहाँ हेरोदेश राजा लो ले जाओ। अब तक वो यरूशलम में है, यहाँ हेरोदेश लो ले जाओ।
तुम अपने आप हा का कहा तो कहते हैं वे जिन्हें ते अपनो चेला का मैंने बहुतों से सुनो है कितना अजूबा काम भी करा थे हमें भी कछु देखा महाराज जो सब रेमान सन है बेकारत है और अपने हाँ राजा का थे जो मांस जो राजा हे महाराज हैं तो ना ही करो पिलातुस लो फिर ले जाओ जो ओई के परगना को आए मांस ने मारे जावे लायक कछु नहीं करूं ईलाने मैं यहां कोड़ा घलवा के छोड़ देत हूं ई त्योहार पे तो हां एक मांस हमारे लाने छोड़ दे को अधिकार है हमारे लाने बरब्बा छोड़ दे हां और ई मांस के हटा दे बरब्बा को छोड़ दे यहाँ क्रूज पे चढ़ा दो यहाँ क्रूज पे चढ़ा तुम कोड़े लगाओ पिलातुस ते काय बाटे रथ है ऊपर हटाओ मानसन के चिल्लावे पे पिलातुस ने यीशु खान क्रूस पे मारबे की आज्ञा दे दी और बरब्बा हां जॉन जेल में हतो और जीने मानसन हां मारो और बिलोरो उहां छोड़ दो और यीशु जी हां क्रूस पे मारबे हां धर्म के मुखियन और मानसन के हाथन में दे दो नाम का है शमौन कुरैनी आओ इते आओ ढोरियां काट दो कमी को उठाओ चलो आचे हटो
पाछे हटियो। पाछे हटियो। हम तो रानी रोते प्रभु जी दुख मना थे। पीले पानू पीले प्रभु जी। पीले प्रभु जी। यरूशलेम की भाई हरो मुरे लाने न रो, अपने लाने और अपने लड़कन के लाने रो। खासे जब जे थारी रो पेड़ के संगे असु करत हैं तो सुखन के संगे काना कर हैं। परमेश्वर तोरी सहायता करे। हम तोरे लाने विनती कर हैं। चलो जल्दी करो जल्दी 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 यहाँ जाओ। चलते ही रहो चलत रहो तेजी से बढ़ियो। अब बढ़ियो बढ़ो अब आगे कहाँ बढ़ियो। आओ चलो इन्हें क्षमा कर पिता। का से जे नहीं जानत कि का करत। इने और हन को बचाओ। अपने हाँ बचाए तो जाने। अरे हाँ तो मसीहा बचा लिया अपने हाँ। क्रूस से उतरा। मोहा अपने एक अजूबा काम देखा। तब उन्होंने यीशु जी हाथ दो डाकुओं के बीच में सूली पे टांग दो, जिसे नबियन द्वारा हजारों बस पहले कही गई बातें पूरी हो गईं। जो उन्ना को ऐसा ही वैसे ही मानस को नहीं सुनियो
सुनो रुको वो ना फारो मैं बताई को क्या करो चाहिए आप पर्ची डारो और क्या कर रहा हो जब तुम जो मिलेगा और उनके मूड के ऊपर एक तख्ती टांग दई जी पर लिखो तो जो यहूदियन को राजा आए जो ते यहूदियन को राजा आए तो अपने यहां बचा ले का ते मसीनों फिर हमें और अपने खां बचा ले काते परमेश्वर से नहीं डरत इन्हें तो कोई गलती लो नहीं करी फिर भी यहाँ हमारी कहीं डन मिलाता है यीशु मोरी खबर राखियो जब तुम अपने राज में हो मैं तो ये वचन दे आ जाई तो मोरे संगे स्वर्ग में हुई है दोपहर ही कड़ गई और 3 घंटा लो सबरे देश में अंधेरो बन रहो मंदिर को पर्दा ऊपर से नीचे लो फटके 2 बंगा हो गए हे पिता मैं अपनी आत्मा तोरे हाथन में सौंपत हूं जब सिपाहियों के मुखिया ने ऐसो होत देखो तो ऊ परमेश्वर की जय जयकार करन लगो परमेश्वर की बड़ाई होवे साचई जो धर्मी मान सतो अरमतिया को रहबे वारु यूसुफ जौन धर्म सभा को सदस्य हतो ऊ उनके ई कामन से खुश न हतो उन्हें पिलातुस से यीशु जी की लोथ मांग ली कह विश्राम बाग के अंधियारे से पहला मिट्टी दे सके Thank you.
हमें क्षमा कर, हमारे प्रभु जी की लाश के पीछे पीछे निकल आए। सब जने आ सकत पर चलो शपथ की बेरा भैया। इतवार के दिना बाई हरे बड़े भुनसारे अपने बनाए अतरहा लेके कबर पे गई। उनने कबर पे की टोर अलग लुड़की पाई और जब वे भीतर गई तो यीशु जी की लोथ उते ना हती। तुम जिंदा को मरण में काय ढूंढत हो? उ इते नहीं है, उ जी उठो। अब खबर करो कि उन्हें गलील में का कही हती कि मांस को लड़का पापियन के हाथ पकड़ाओ जे है, क्रूस पे टांगो जे है और तीसरे दिना जी उठे। कबर को पथरा लुड़को हतो, जब हम भीतर पहुंचे यीशु जी की लोथ उते ना हती। काय लोथ नहीं हती? और दो स्वर्गदूत प्रकट भए जोन सूरज घाई चमकत हते। उनने हमसे कही, तुम जी यथा मरे में काय ढूंढत हो? क्या साची आए? हम आओ विश्वास करो, हम आओ विश्वास करो। हमने उन्हें देखो है, तुम आप ही देख आओ। कबर रीति डरी है, हमारे प्रभु जी उते नहीं है। पतरस, तुम्हें हमारी बात मानने ही पड़े। यीशु जी दो चेला ना दिखाने सो उनने जोश में आके संगियन से सब कछु कह दो। प्रभु जी साचे में जी गए, वे पतरा सा भी दिखे। जब वे गेल में हते हम उन्हें चीन नहीं पाए। केले रोटी तो रथ में हमने हुआ चीन लो। अमाउस में अजी भाई वो उते लो पहुंचो। तुम शांति पाओ। तुम काय इतनी चिंता में हो? तुम्हारे मन में जो दुविधा काय आ गई? देखो मोरे हाथ और गोड़े और चीन लो कि मैं ही आऊं। मुहा छुओ और चीन लो। कैसा कि आत्मा में हाड़ मास नहीं हो जैसो तुम मुंह में देखत? जब मैं तुम्हारे संगे हतो जो ही बात तुमसे कहबो करो, जो कछु मोरे बारे में यहूदियन की धर्म पोथी में खोलो गौ है वे सभी बातें पूरी हुई हैं। ऐसो लिखो है कि मसीह बहुत दुख उठा है और तीसरे दिन जी उठे। यरूशलेम से शुरू होके सबरी जातियन में मन पछतावे को और पापन की क्षमा की मुनादी ओ नहीं के नाम पे करी जय है। तुम इन सब बातन के गवाह हो। मैं खुद ही अपने पिता की कई बातें पूरी कर हूँ। अकेले जब लो तुम सुरक से आत्मा न पाओ तो लो ते ही बने रहियो।
परमेश्वर तुम्हें आशीष देवे। सरग और धरती लोक पै को पूरो अतकार मोहा दव गौ है, सो तुम जाके सबरी जातियन के मानसन हाँ चेला बनाओ और उन्हन हाँ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाव से पानू को बपतिस्मा देव और उन्हन हाँ सबरी बातें जौन मैंने तुम्हें बताई हैं मानवों से कहो और देखो जग के अंतलो सबई दिन मैं तुम्हारे संगे हूँ। आमीन। जॉन कब्र में यीशु जी को शरीर धरो तो बारीती है, क्रूस पे मरने के पाछे वे तीसरे दिन जी उठे और अब लो जियत हैं और तुम्हारे मन में आओ चाहत हैं। यीशु जी ने कही थी, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, जो को मो पे विश्वास करत है वो मर लो जाए तो जियत रहे। यीशु जी हां मर के जी उठे 2000 साल हो गए और वे इस जग में सबसे महान और शक्ति बारे मांस रूप में जियत हैं। पिछले जुगन में बड़े पहुंचे भय मांस इस संसारी में आए और चले गए। राजा पहुंचे भय विद्वान विज्ञानी विचारवे बारे और कुल धर्म गुरु आए और चले गए। अकेले यीशु जी आज लो जियत हैं। वे इस संसारी के लेखे में अनोखे मांस हैं। उनको जन्म अनोखो हतो, धर्म पोथी बताऊत है कि उनको जन्म मरियन नाव एक कुआरी से बहो। यीशु जी को रैबो को ढंग अनोखो हतो, उनमें ईश्वरीय शक्ति हती, वे बिना पाप के रहे और पवित्र जीवन जियो। उनने इतने बड़े अनोखे काम करे जो कोऊ कबहू नहीं कर पाओ। उनको संदेशो अनोखो हतो, वे उन सब हां जौन यीशु जी हां अपनो पापन की क्षमा करवे बारो और प्रभु मानत हैं, उन्हें बे प्यार क्षमा और जीवन की नई गेल देत हैं। जहां कहूं उनके संदेश से पहुंचे उतय नई आशा नव जीवन और जीने को नव उपाय मिलो। क्रूस पे उनको मरवो अनोखो हतो। 2000 साल पहला ई जगत के परमेश्वर ने अपने एक लौते लड़का यीशु मसीहा सबरे मांस के पापन के बदले बलिदान होवे हां पठे दो। बे तुम्हारे लाने मारे गए उनको जी उठबो अनोखो हतो। उनके मरबे के 3 दिना बाद संसार की अटपटी घटना घटी जैसे यीशु मुर्दन में से जी उठे। उनको जन्म उनको मरबो उनको जीवन और उनको जी उठबो जे सबरी बातें बतावती हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर का लड़का और मानसन के तारण करवे बारे आए। बे यीशु जू आजलो जियत है। बे चाहूत है कि तुम्हारे मन में आए और तुम्हारे पापन हां क्षमा करें और परमेश्वर का जीवन जीवे की शक्ति देवे। उनके वचन हां सुनो। ओ सभी काम करवे बारो पुजवा से दबे मांस हरो मोरे एंगर आओ, मैं तुम्हें आराम दे हूँ। गैल और सच्चाई और हमेशा को जीवन मैं ही हूँ। मोरे बिना को भी पिता परमेश्वर लो नहीं पहुँच सकत। बाइबल धर्म पोथी हमें सिखाऊत है कि सबन ने पाप करो है और परमेश्वर की दया से दूर हैं। धर्म पोथी में जो भी लिखो है कि पाप की मजूरी मौत है, अकेले प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर हमें जीवन दान देते हैं। प्रभु यीशु ने मर के तुम्हारे पापन की सजा को कर्जा चुका दाओ। वे अभी तुम्हारे मन में आओ चाहते हैं। देखो मैं तुम्हारे मन के दौर पे ठाड़ो भाव खड़खड़ाऊ थो। जो को मोरी बानी सुन के अपनो मन खोल है तो मैं ऊ के मन में आहो। उनको प्यार और पापन की क्षमा हां जानवे और अनंत जीवन पावे के लाने यीशु जी हां परमेश्वर की बलि मानने पर है और विश्वास से उन्हें अपने मन में न्योतो देने पर है। यदि तुम्हारे मन में ऐसी मनसा होए तो विश्वास से विनती कर सकत हो और यीशु जी तुम्हारे मन में आए हैं।
तुम ऐसी विनती कर सकत हो जैसे मैं करत। प्रभु जी मोए तुम्हारी चाह है, मोरे लाने क्रूस पे मरवे हाँ तुम्हारी जय जय हो। मैं अपने मन को दौरो खोल के तो अपनो प्रभु और पाप क्षमा करवे वारो मानत हो। मोरे जीवन की डोरी तुम्हें अपने हाथ में ले लो, जैसो तुम चाहो वैसो यहाँ बना लो। आमेन। यदि तुम्हारो मन जो कात है कि तुम्हें ऐसी विनती करो तो मोरे पाछे पाछे मन में कहो, मैं यहाँ तन तन करके कहो। प्रभु यीशु जी मोए तुम्हारी चाह है, मोरे पापन के लाने क्रूस पे मर में हाँ तुम्हारी जय जय हो। मैं अपने मन को दोरो खोल के तो हाँ अपनो प्रभु और पापन की क्षमा देवे वारो मानत हो। मोरे जीवन की डोरी तुम्हें अपने हाथन में ले लो, जैसो तुम चाहो उसे ही यहाँ बना लो। आमीन। अब तुम विश्वास से जा विनती करो और यीशु जी के लाने अपनो मन खोलो और ऐसो विश्वास करो कि वे अपने कहे के अनुसार तुम्हारे मन में आ गए हैं। तुम जो जान सकत हो कि तुम्हारे सबरे पाप क्षमा हो गए, तुम परमेश्वर के लड़का बेटियां बन गए और तुम्हें हमेशा ही को जीवन मिल गओ। यीशु जी ने आशीष को जीवन जीवे के बारे में कही है, जो तुम चाहो तो रोज ही उनसे प्रार्थना में बातें कर सकत, उनको बचन बांच के अपने जीवन के लाने उनकी मनसा जान सकत हो और बेमांस जो उनसे प्यार करत और उनकी मनसा पे चलत तुम उनकी संगति करो। अंत में उनकी बताई बातें हमेशा याद रखो। मैं तो हाँ कभू न छोड़ हो न बिसर हो। देखो जबलो जो संसारी बनी रहा है मैं संगे रहे हूँ।